नमस्कार, आज हम बात करेंगे 10 मनी मेकिंग सीक्रेट्स के बारे में, या 10 ऐसी बातें या ऐसे उपाय जो आपको बहुत अमीर बना सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन या किसी भी ऐसे व्यक्ति के लाइफ में जो एक आर्टिस्ट है, जो कोई भी तरीके का काम कर रहा है लेकिन वो पैसा नहीं बना पा रहा है। तो इन शॉर्ट 10 ऐसी बातें जो आपको पैसा बनाने पर मजबूर ही कर देंगी। या मैं आपको ये बात बोलूं कि लाखों लोगों के एक्सपीरियंस के साथ में, जो मेरे बड़े बड़े व्यापारी हैं जिनके साथ में मैं काम करता हूं, उनसे निकाली हुई टिप्स को मैं आज आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूं। अगर आप इन 10 बातों को अपने जीवन में अप्लाई कर लेंगे, आई विल बेट कि आपको कोई जीवन के अंदर नहीं हरा पाएगा। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल सी बात नहीं है, इसमें वास्तु के भी उपाय आएंगे, इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी आएंगे, इसमें आपकी बहुत सारी मेहनत आएगी, नॉलेज आएगी। एक नोटबुक और एक पेन ले लीजिए, नोट्स को बनाना स्टार्ट कर दीजिए, 6 महीने तक रेगुलर इन सभी बातों को कीजिए, एंड आई विल बेट 100% कि आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। मैंने मेरी लाइफ में क्या किया, बड़े बड़े व्यापारियों ने क्या किया, सारी बातें आप सभी लोगों को बताने आया हूं। तो सबसे पहले नंबर पर मनी मेकिंग की जब बात आती है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका फाइनेंस क्या है। नो योर फाइनेंसेस, आप कितने रुपए कमाते हो, कितने रुपए की आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, आप जीवन में करना क्या चाहते हो, अगले साल कितने पैसे कमा सकोगे, अपनी स्किल सेट, अपनी नॉलेज, अपनी डिग्री, अपने हर चीज के हिसाब से। सबसे पहले है नो योर फाइनेंसेस, और नो योर फाइनेंसेस में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप रेगुलर ये चाहते हो कि आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज आए, आप चाहते हो कि आप ग्रो करते रहें। अगर आप हर साल 20% से ज्यादा ग्रो नहीं कर रहे, तो आपको नो योर आपको अपने फाइनेंसेस को देखने की सख्त जरूरत है कि आपने कहां गलत करी। इसी नो योर फाइनेंसेस के अंदर मैं 3 बातों को आप सभी लोगों के सामने लिखता हूं, हर बार लिखता ही आया हूं, कि 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको आपके फाइनेंसेस से बहुत ज्यादा स्ट्रांग करने लगती हैं। अपना 33% प्लान बनाइए, जो मैं आपको बहुत बार ये बात बोलता हूं, व्हाट इज 33% प्लान। जितनी भी आपकी इनकम है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। नंबर 1 पे आप रखिए 33% पे जो आपकी नेसेसिटीज हैं, वो कितने कम से कम में हो सकती हैं, और जो बचा हुआ प्लान है, बचा हुआ जो पैसा है, उसको लग्जरीज को अवॉइड करके इन्वेस्टमेंट कीजिए, और कुछ ना कुछ लर्न करने की कोशिश कीजिए। मतलब स्किल सेट्स भी एक्वायर कीजिए, लर्निंग भी कीजिए, और साथ में इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। 10,000 रुपये महीना भी अगर आप कमाते हो आज के वक्त में, तो आप 200 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक की SIPs हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, अलग अलग तरीके के लोन्स मिलते हैं आपको, जिनके सहारे से आप कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, रेदर इन्वेस्टिंग इनटू अ कार, इनटू अ लग्जरी, इनटू योर क्लोथ्स और एनीथिंग, इन्वेस्ट इनटू अ बिग इन्वेस्टमेंट जिसपे आपको रिटर्न आ सके। ये आपको जरूर करना है, और अपने फाइनेंसेस को धीरे धीरे स्ट्रांग करते हुए चलो, तो आपको इसका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दिखने लगेगा, आपको अपने जीवन में बहुत सारी चीजें दिखने लगेंगी। ये कौन कौन सी दिशाओं से आती है, और नो योर फाइनेंसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेगुलर ग्रोथ। तो 2 चीजें निकल कर आती हैं रेगुलर ग्रोथ के लिए, नॉर्थ, और दूसरी डायरेक्शन निकल कर आती है वेस्ट। अगर ये दोनों डायरेक्शन आपके घर में सही है, सही या ना सही का क्या मतलब है, पुरानी वीडियोस में आप बखूबी देख लीजिएगा। नॉर्थ डायरेक्शन आपको ग्रोथ देती है। सपोजिंगली आप 10,000 को तो अच्छे से मैनेज कर रहे हो, लेकिन आप कभी भी ग्रो नहीं कर पा रहे, अगले साल भी 10,000, फिर 10,000, दैट मीन्स कि आपके नॉर्थ में दिक्कत है। अगर वेस्ट में दिक्कत है, तो आप ग्रो तो कर गए लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई नहीं हुई, आप 10 से 20 पे पहुंच गए, 25 पे पहुंच गए, आज भी आपके पास अपना घर नहीं है, आज भी आपके पास कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसको आप बोल सको कि हाँ मैं बहुत ग्रो कर गया हूं, मैं एक लेवल पर पहुंच गया हूं। मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसे ही किया है, आई ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट 33% ऑफ माई इनकम। 33% ऑफ इनकम को मैं सेव करता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना 20% को सेव कर लो, जो बच जाता है ना मैं उसको एंजॉय करने की कोशिश करता हूं। और आज क्या होने लग गया है, आज आपको अपने बचे हुए को भी एंजॉय करने के लिए आपके पास वो बचा हुआ पैसा इतना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आप मल्टीपल इंपैक्ट पे पहुंचते जा रहे हो। आज से 10 साल पहले 1,000 रुपए की गई इन्वेस्टमेंट आज लाखों रुपए बन चुके होते हैं, क्योंकि आप रेगुलरली अपने फाइनेंस को जानते हो। अगले साल अपने स्किल सेट के हिसाब से आपको मूव करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपके फाइनेंसेस किस तरीके के हैं, कि आप जिंदगी में क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। तो नंबर 1 पॉइंट है नो योर फाइनेंसेस, स्ट्रांगली जानना स्टार्ट कर दो कि मेरे फाइनेंसेस क्या है, मैं इसके साथ क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता, तभी आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन के निकलोगे अगले 6 महीनों के अंदर या 1 साल के अंदर। उसके बाद आता है रेगुलर स्किल डेवलपमेंट। मैंने बहुत सारे लोग देखे यार मेरी तनख्वाह ना 50,000 रुपए हो गई है, अब मुझे कोई और स्किल की जरूरत नहीं है, और पता लगा आपने बीटेक एमटेक कर रखा है, और एक नया लड़का है जिसने सिर्फ डिप्लोमा कर रखा है, और उसको आज की टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ पता है, और आपको नहीं पता, आपकी स्किल डेवलपमेंट खत्म।
जिस तरीके की दुनिया में हम चल रहे हैं, जिन लोगों ने कंप्यूटर बनाया था उसको इस्तेमाल करने वाले कंप्यूटर को बनाने वालों से ज्यादा तेज हो चुके हैं, क्योंकि आज का वक्त ऐसा है कि आपको स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल आप एक यूट्यूबर हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक इंस्टाग्रामर हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिसके अंदर आप अपने एक स्किल को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, तो वो आपको बहुत ग्रोथ दे देता है। मान लीजिए कि आप एक यूट्यूबर हैं और आप अपनी वीडियो को खुद एडिट करते हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा एज देता है कि आपकी वीडियोस आप अपने हिसाब से एडिट कर सकें, आपकी कॉस्टिंग बचाता है, आपका टाइम बचाता है, और साथ ही साथ में आपको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन देता है कि हाँ मेरा ये एफर्ट भी है, रेदर देन थिंकिंग आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम टू बिल्ड अ न्यू स्किल। सो ट्राई टू बिल्ड अ न्यू स्किल ईच एंड एवरी ईयर, चाहे वो कपड़े पहनने की स्किल हो, चाहे वो बात करने की स्किल हो, चाहे वो लैंग्वेज सीखने की स्किल हो, आपकी स्किल कभी भी वेस्ट नहीं जाती। इवन मैं तो ये कहूंगा आज के बढ़ते हुए दौर में जितनी कम स्किल है आप उतना पीछे चलते जा रहे हो। ट्राई टू डेवलप न्यू स्किल, ये दो डायरेक्शन से निकल कर आती है। नंबर वन डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, नंबर टू डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। इन दोनों डायरेक्शन से ये स्किल आपकी निकल कर आती हैं। अगर ये दोनों डायरेक्शन आपकी बहुत अच्छी हैं, बहुत स्वस्थ हैं, तो आप इन पे फोकस कर सकते हो, इनका उपयोग ले सकते हो। यहाँ पर साउथ वेस्ट में उस स्किल के बारे में रख देना, फॉर एग्जांपल आप गिटार सीखना चाहते हो, म्यूजिक सीखना चाहते हो, उन प्रोडक्ट्स को अपने साउथ वेस्ट में रख देने से वो स्किल आपके अंदर एक्वायर होने लगती है। लेकिन इसके साथ साथ में आपका फोकस भी होना चाहिए कि रेगुलरली आपकी जो स्किल है वो आपको डेवलप करनी ही है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इफ यू वॉन्ट टू बी द एक्सट्रीमिस्ट, जब द बेस्ट आउट ऑफ योर सेल्फ, उसके बाद आपको डालना है स्किल। तो डेवलप हो गई, पैसा मैनेज हो गया, लाख रुपए की इनकम पे पहुंच गए, 10 लाख की इनकम पे पहुंच गए, 1 करोड़ की इनकम पे पहुंच गए, आई एम वेरी सक्सेसफुल, उसी दिन डिप लगता है, उसी दिन फेल होने स्टार्ट हो जाते हो। व्हाट इज द एक्स्ट्रा एफर्ट यू आर गिविंग टू योर ओन कंपिटिटर? जब आप 10,000 के थे ना, तो उस दिन आपको काम करना चाहिए था 15 वाला। जिस दिन आप 15 के हो जाते हो उस दिन आपको काम करना होता है 25 वाला। जिस दिन आप 25 के हो जाते हो उस दिन आपको काम करना होता है 50 वाला। ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बढ़ता है। जिस दिन आप 5 लाख के व्यक्ति हो जाते हो उस दिन आपको काम करना होता है 50 लाख वाला। क्योंकि जिस दिन आप काम करना छोड़ दोगे, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना छोड़ दोगे, कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। यू हैव टू वैल्यू योर सेल्फ। मैंने कई सारे लोग देखे हैं कि जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, जिस दिन उनको 1,000 रुपए मिलते हैं ना, वो काम 900 का करके आते हैं। यार मेरे को तो 1,000 रुपए ही दिए हैं। अगर आप उस दिन 10,000 का काम करके आओगे ना, तो वो पूरी उम्र आपको काम देगा व्यक्ति। इसीलिए आपको अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है अपने कॉम्पिटिटर से। जब भी आप पैकेज बनाकर बेचने की बात करो, आप आर्टिस्ट हो तो आप उसको दो चीजें एक्स्ट्रा दो। अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हो, आप दो सर्विसेज एक्स्ट्रा दो। आप जो भी काम करते हो उसमें दो चीजें एक्स्ट्रा दो। हम लोग क्या करते हैं, हमारे कोर्सेज 40,000 रुपीज के अंदर सारे कोर्सेज इंक्लूडेड है। जितने कोर्सेज कोई मार्केट के अंदर करवा ही नहीं सकता। हमारे कुछ कोर्सेज तो फ्री है। व्हाट एक्स्ट्रा एफर्ट्स वी आर गिविंग इन कि लोगों को हम जीत सकें, उनका प्यार जीत सकें, उनका विश्वास जीत सकें। यू हैव टू पुट इन सम एक्स्ट्रा एफर्ट जो मार्केट में कोई और नहीं कर सकता, और इतने आगे निकल जाओ कि जब तक लोग उस बारे में सोचें आप उसको बीट आउट कर दो। और ये जो सोचने की स्किल है ये आती है एक्स्ट्रा एफर्ट की स्किल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जो पावर है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपको देती है अग्नि की ताकत कि हाँ भी मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर जज्बा है, मेरे जज्बात है, मैं कभी नहीं थकने वाला। और याद रखना कि अगर अपने जिंदगी की शुरुआत के 5 साल में आप एक दिन थक गए, तो आप 10 साल पीछे हो जाओगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज कि आपको थकना नहीं है, आपको मेहनत करनी है, और उस मेहनत के फल को जब आप इंजॉय करोगे ना, यू विल बिकम द बेस्ट। सो ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट वाला पॉइंट है, ये मेरे को अभी अभी एक बिल्डर है जिनसे मैं मिला, उनसे मैंने पूछा कि आपको कैसे लगता है, आप तो बड़े नए बिल्डर हो, आपकी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट क्यों चल जाएगा? उन्होंने कहा कि बिल्डिंग की नींव रखने से पहले मैंने 50% चीजों को बेच दिया है। उसका रीजन क्या है कि आए पर्सनली पुट माई एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन टू इट। कोई दूसरा बिल्डर नहीं करता। जिसके पास पैसे हो गए वो घर पे जाके सो जाता है, बोलता ठीक है यार जो होना है वो हो जाएगा, अपने आप करते रहेंगे। सो आई विल बी मेकिंग लॉट ऑफ मनी विद दैट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। उसके बाद में हम बात करते हैं हैबिट बिल्डिंग की। बहुत सारे लोग मिले, यार तू मेडिटेट करके एक्स्ट्रा क्या कर लेता है, क्यों एक्सरसाइज करता है? एक्सरसाइज इज जस्ट नॉट अबाउट बिल्डिंग अ बॉडी, एक्सरसाइज इज अबाउट बिल्डिंग अ माइंड। मेडिटेशन इज अबाउट बिल्डिंग अ हैबिट, बिल्डिंग अ सिनेरियो, बिल्डिंग द पॉजिटिविटी अराउंड यू। आपको ये करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपके माइंड में, आपके ब्रेन में दो तरीके के माइंड कहे जाते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन। एक क्रिएटिव है, एक एनालिटिकल है, एक फिजिकल है, एक आर्टिस्टिक है।
व्हेन यू मेडिटेट तो आप आर्टिस्टिक भी हो जाते हो। आज के जिस जमाने में क्रिएटिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप क्या नया सोच सकते हो वो आपका माइंड आपको बताता है, सिर्फ मेडिटेशन से ही आप पा पाओगे। इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी के अंदर जहां पर हम सब लोग, ये लोग बोलते हैं कि थकना बिल्कुल मना है, वहां पर मेडिटेट 10 मिनट का मेडिटेशन करने से आप अपने आप को पा जाते हो। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है मेडिटेशन करने की। व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज, यू कैन वॉक, यू कैन रन, यू कैन साइकिल, यू कैन गो टू जिम, जो भी आपको अच्छा लगता है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, एटलीस्ट एक हैबिट बिल्ड करो कि आई एम दिस। ये तो करना ही है, ये मेडिटेशन की हैबिट बिल्ड करनी ही है। यू नीड टू फोकस ऑन योर ओन बॉडी, योर ओन माइंड। ये जो हैबिट्स हैं ये आपको दो डायरेक्शंस देती हैं। नंबर वन, साउथ डायरेक्शन जो है वो आपको रिलैक्स भी करती है, साथ में अग्नि की भी है तो वो आपको एक्सरसाइज के प्रति भी अग्रसर करती है, साथ में मेडिटेशन भी करवाती है, रिलैक्स भी रखती है आपके माइंड को। दूसरी डायरेक्शन निकल कर आती है वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन भी कहीं ना कहीं आपके माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखने का काम कर देती है। इसलिए आपको इन दोनों डायरेक्शंस को भी बैलेंस रखना है एंड ट्राई टू फोकस ऑन बिल्डिंग योर गुड हैबिट्स, रेगुलर गुड हैबिट्स। यू विल सी कि आप कहां से कहां पहुंच गए हो। फिफ्थ पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसने मुझे आज इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपका जो नेटवर्क है वही आपका नेटवर्थ होती है। कैसे बनाया जाता है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, यार हम तो अलोन से हैं, मैं किसी से जाकर क्या बात करूं, मुझे नहीं समझ में आएगा, लोग तो मेरे से बात ही नहीं करना चाहते, मुझे नहीं पता कि उनके मन में क्या चल रहा है। ट्राई टू एक्वायर द स्किल्स। आपके पास जितनी ज्यादा नॉलेज होगी आप कोई भी बात उनसे कर सकते हैं। वो किसी भी बारे में बात कर रहे हो आप अपना आइडिया उनको दे सकते हो। आप पढ़ने की कोशिश करो, जितना ज्यादा आप नॉलेज को एक्वायर कर सकते हो, रीडिंग हैबिट्स बिल्ड कर सकते हो, बिल्ड करो। पॉडकास्ट को सुनो, आप वीडियोस को देखो। आज के टाइम पे यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप बिल्ड करके आप अपना बहुत अच्छा सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आपकी नेटवर्क बिल्डिंग हो जाती है। मैंने अपनी जिंदगी में जितनी भी सक्सेस पाई है वो नेटवर्क बिल्डिंग के कारण पाई है। मैं हर बार ये बात बोलता हूं कि मैं एक इंसान को कमाता हूं जो 100 इंसानों का नेटवर्क मुझे खुद लाकर दे देता है। दिस इज पावर ऑफ नेटवर्क बिल्डिंग। ये दूसरी तरीके से कैसे आती है, गो अपना चार्म दिखाओ कि आपके अंदर क्या नॉलेज है, आप किस तरीके से सामने वाले को प्रभावित कर सकते हो। हम बॉडी लैंग्वेज कोर्स के अंदर ये बात सिखाते हैं कि सामने वाला इस वक्त क्या सोच रहा है, किस तरीके के विचार में है, आप कैसे उसको अपना बना लेते हो। कई लोग आपने देखे होंगे वो तुरंत आते हैं, हर किसी के तरीके से जेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये काबिलियत है, वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उनके मन को पढ़ रहे हैं। स्वरयोग में मैं ये सिखाता हूं कि आपका काम बनेगा या नहीं बनेगा, किस तरीके से बनेगा। जब आप इन साइंसेस का उपयोग करके आप सामने वाले के पास जाते हो तो नेटवर्क बिल्डिंग करते हो। आप हर जगह जाओ, आप जिम में जा रहे हो, किसी का मूड उदास है तो उसको बूस्ट करो, वो आपका दोस्त बन जाएगा। नेटवर्क बिल्ड करो। यकीन मानना 2 साल तक रेगुलर नेटवर्क बिल्ड करने के बाद आप किसी भी काम में हो आपको पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ता। एवरीथिंग इज जस्ट अबाउट नेटवर्क। एक मार्केट भी बना हुआ है ना, तो वो एक नेटवर्क के लिए कि यहां पर लोग आते हैं। ट्राई टू बिल्ड गुड अमाउंट ऑफ नेटवर्क अराउंड यू। ऐसे लोगों का साथ साथ में नेटवर्क बनाओ जो लोग पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, नेगेटिव नहीं है। उन लोगों के पास जाओ जिनसे आपको सीखने को मिले, बड़े बुजुर्गों के पास जाओ जिसने अपनी जिंदगी में कुछ किया है, जो फेलियर्स हैं इनसे दूर हो जाओ। जो लोग फेल हो चुके हैं उनसे कोई बात मत सीखो, उनसे सिर्फ ये सीखो किस आदत ने आपको फेल करवा दिया, उनकी उस आदत को ले लो, वो आपकी जिंदगी में कभी नहीं आना चाहिए। सो बिल्ड योर नेटवर्क। नेटवर्क बिल्डिंग की जो डायरेक्शन है वो आती है ईस्ट। इस डायरेक्शन को अगर आप सही रखते हो तो आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है, तो आपकी नेटवर्थ स्ट्रांग होने लगती है। ट्राई टू बिल्ड एक्सपीरियंसेस। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, लोग एक्सपीरियंस को बिल्ड नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इंजीनियरिंग कर ली, अब मैं जॉब नहीं करूंगा, मैंने सीए कर ली, मैं तो सीधा बिजनेस करने लगा हूं, मैं वास्तु कंसल्टेंट बन गया, अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। बिल्ड योर एक्सपीरियंसेस। हमने भी अपना एक कोर्स निकाला, इंडस्ट्रियल का कोर्स निकाला, साइट विजिट का कोर्स निकाला। सबसे पहले हम हैं लोग जिन्होंने ऐसा एक्सपोजर बिल्ड किया कि आप साइट पर जाकर चीजें वो क्यों नहीं सीखते। बिकॉज बिल्डिंग एन एक्सपीरियंस, जितने भी स्किल्स आपने इंप्रूव किए हैं वो आपके सबकॉन्शियस के अंदर परमानेंटली डाल देता है। मैं हर बच्चे को यह सलाह देता हूं कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का कम से कम 1 साल की जॉब तो करो ही करो। आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हो, एटलीस्ट जॉब जरूर करो जो आपको एक्सपीरियंस बिल्ड करके दे। ऐसी जगह पे जाओ जहां पर आपको एक्सपीरियंसेस बिल्ड होते हैं। अगर आप ट्रैवल भी करते हो, गो फॉर समथिंग जहां पर आपको एक नया काइंड ऑफ एक्सपीरियंस मिले। सेम काइंड ऑफ ट्रैवल डेस्टिनेशंस में मत जाओ, गो टू बिल्ड सम काइंड ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। ऐसी चीजों को सीखो जहां पर आपको नए लोग मिले, जहां पर आपको नई दृष्टिकोण मिले। फॉर एग्जाम्पल, आप फोटोग्राफी करना जा रहे हो तो फोटोग्राफी इस तरीके से सीख लीजिए कि आपका एक अनुभव बिल्ड हो वहां पर, और ऐसे लोगों से मिलो जो आपके अनुभव को बिल्ड करवा सकते हैं।
एक्सपीरियंस बिल्ड होते ही आपके अंदर एक जज्बा आता है। आपने ये बात सुनी होगी ना, विदाउट एक्सपीरियंस कोई जॉब नहीं है, बिना जॉब के कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सो सबसे पहले आपको बिल्ड तो एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा ताकि आप जॉब प्रोवाइडर बन सको या आपकी जॉब लग सके। ये एक्सपीरियंस बिल्डिंग कौन सी डायरेक्शन से आती है, जो गेम है आपके शरीर की या आपके मन की, ये आता है वेस्ट डायरेक्शन के मेल से और नॉर्थ से। इन दोनों डायरेक्शनों को जब आप सेट कर देते हो, सही कर देते हो, तो आप एक्सपीरियंस बिल्ड करने लगते हो आपकी जिंदगी में। अपॉर्चुनिटी के साथ साथ में गहन एक्सपीरियंस बिल्ड होने लगता है, जिसको फिर आप रीबिल्ड करते हो, जिसको आप चीजों को आगे लेकर जा सकते हो। सेवेंथ चीज होती है, सेवेंथ जो पॉइंट है, फोकस ऑन हार्ड वर्क एज वेल एज स्मार्ट वर्क। कुछ लोग ये बोलेंगे हम तो बहुत स्मार्ट हैं, हम हार्ड वर्क के ऊपर बात नहीं करते। आपको दोनों काम करने हैं। अगर आप स्मार्ट भी हो, अगर आप किसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानने भी लगे हो, तो यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। हर चीज को मिलाकर चलना पड़ेगा। फोकस ऑन हार्ड वर्क एज वेल एज स्मार्ट वर्क। टाइम को कम से कम करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे ले सकते हो, और फिर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट करके आप जीवन में कितनी आगे जा सकते हो, उसके कहते हैं स्मार्ट वर्क करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक साल का टाइम है, आप दो महीने में ऐसा काम करो जिससे आपका एक साल का सारा सिस्टम जो है वो कवर हो जाए। बचे हुए आठ महीने के अंदर, बचे हुए जो आठ महीने हैं उसके अंदर कुछ ऐसा करो कि आप और आगे निकल जाओ। तो ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क आपकी स्पीड को दस गुना कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब अपने कोर्सेज लेकर आए, तो उस वक्त पे ऑनलाइन कोई और आया नहीं था। हम सभी लोगों ने क्या किया, ऑनलाइन कोर्सेज बिल्ड किए, समझाया, एज इट इज सेशंस को वेबसाइट पे डाल दिया। पहले क्या किया, हार्ड वर्क किया, फिर क्या किया, स्मार्ट वर्क किया। अब लोग आते हैं, अपने आप कोर्स करते हैं, चले जाते हैं। अब क्या हो रहा है, रेवेन्यू जनरेशन भी खूब हो रहा है, साथ साथ में लोगों को अपने वक्त पर चीजें देखने को मिलती हैं। अब हमारा क्या है, जो कोर्स दो साल बाद फिर से होता, एक साल बाद फिर से होता, वो तो ऑलरेडी हो रहा है, वो तो घटित होता ही जा रहा है। अब जब मर्जी आओ उसको कर लो। सो ऐसे कोर्सेज जिसको हम स्मार्ट वर्क में तब्दील कर सकते थे, वो हमने कर दिया। ऐसी चीजें जिसको हमें हार्ड वर्क में ही डालना है, मैं नहीं चाहता कि कोई सिर्फ वेबसाइट पे ही पढ़े, तो हम बोलते नहीं यार, वी विल कॉल यू, वी विल अरेंज अ कॉल बैक। हम आपको समझाएंगे कि हम किस लिए अलग हैं, हम किस तरीके के काम करते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, जिनको दोनों को आपको हमेशा एक साथ लेकर चलना है। हार्ड वर्क की जो डायरेक्शन है वो आती है साउथ साउथ ईस्ट, जो आपको काम करने पर मजबूर करती है, और स्मार्ट वर्क फिर से आता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। इन दोनों डायरेक्शन के मेल से बनता है आपका हार्ड वर्क एंड द स्मार्ट वर्क। उसके बाद में हम बात करते हैं स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। आपके सारा कुछ है, आप हार्ड वर्क भी करते हो, स्मार्ट वर्क भी करते हो, पैसा भी बहुत हो चुका है, जॉब भी बहुत अच्छी है, पैसा कमाने भी लग गए हो, लेकिन इसलिए पीछे रह जाते हो क्योंकि नेगेटिव इन्वायरमेंट से घिरे हो। आपके ग्रुप में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा सिर्फ नेगेटिव सोचता है, वो पॉजिटिव सोच ही नहीं सकता। आपको हमेशा ये बोलेगा नहीं यार, ये कर लिया तो नुकसान हो जाएगा, अगर ये कर लिया तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव, रिमेन अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल अराउंड यू। किसी भी ऐसी जगह पर मत जाओ जो आपको नेगेटिविटी से घेर ले, जो आपको कंप्रेस कर दे, जो आपको छोटा कर दे। जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पॉसिबल ना हो। ट्राई टू गो विद द पीपल, ऐसे लोगों के पास जाओ जिनसे आप पॉजिटिविटी सीख सको, जिनसे आप जीवन सीख सको, जिनसे आप जीना सीख सको। वो है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का एक मेल। इनसे अवे रहने के लिए, सबसे पहली बात तो नेगेटिविटी से अवे रहने के लिए कौन कौन से डायरेक्शन है जो नेगेटिविटी को आपके पास में लेके जा सकती हैं। एक है ईस्ट साउथ ईस्ट, दूसरी है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा। अगर यही दिशा बैलेंस हो जाती है ना, दोनों दिशाएं बैलेंस हो जाती है, तो आप एनालिटिकल हो जाते हो, आप चीजों को लेट गो करने लगते हो। और फिर उसके बाद आती है खुश रहने की डायरेक्शन, जिसको हम कहते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इन सभी डायरेक्शंस को बैलेंस करते हो, ये आपको बनाएगी खुश। और ये दोनों डायरेक्शन आपको दुखी भी बना सकती हैं, आपके थॉट्स को आपके दिमाग के अंदर फ्रीज भी कर सकती हैं। उनको निकालने की कोशिश करो अगर आप इनको बैलेंस करते हो, सो आप ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी से दूर होते चले जाओगे। उसके बाद में आता है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर जो है, आपका कस्टमर कौन है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो अंधेरे में तीर चला रहे हैं, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। आपका बिल्ड पोटेंशियल कौन है, कौन सा है जो आपका कस्टमर, जो आप ही के लिए बना है, कौन आपके प्रोडक्ट को ढूंढ रहा है। ट्राई कि आपका कस्टमर आपसे क्या चाहता है, वो सहानुभूति चाहता है, वो प्यार चाहता है, वो आपसे कोई प्रोडक्ट चाहता है, वो आपसे किस तरीके की सर्विस चाहता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये करते हुए देखा है कि कोई व्यक्ति जिम के अंदर गया, अरे हमारा जिम तो बड़ा लग्जरी है, आप जैसे लोगों के काम ही नहीं आएगा, और वो समझ ही नहीं पा रहे कि आपका व्यक्ति आपके पास क्यों आया है। वो अपना एक पोटेंशियल क्लाइंट खो गए सिर्फ उसका चेहरा देखते हुए।
सो हमेशा अपने क्लाइंट को समझने की कोशिश करो, ये कैसे समझते हो, फिर से बात आती है, इफ़ यू नो द आर्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, इफ़ यू नो आर्ट ऑफ स्वर विज्ञान, इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ इंट्यूशंस पावर, देन यू विल गेट टू नो अबाउट योर कस्टमर्स वेरी वेल। यहां पर भी एनालिटिकल स्किल्स की बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, जो आता है ईस्ट साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, इन दोनों डायरेक्शन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है, जो आपको ये बताता है कि आपका कस्टमर कौन है, कैसा है, किस तरीके की मार्केट बिल्ड आपको करनी है, और अपने राइट काइंड ऑफ कस्टमर तक पहुंचने के लिए एक डायरेक्शन है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। इस डायरेक्शन को भी अगर आप बैलेंस करते हो तो आप राइट काइंड ऑफ कस्टमर तक पहुंच जाते हो। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिल्ड अ हॉबी। हमेशा जीवन के अंदर एक हॉबी जरूर बिल्ड करें। हॉबी बिल्ड होती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। मैंने बहुत सारे लोग देखे सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उनकी कोई हॉबी नहीं है। कोई एक हॉबी, चाहे वो गेम खेलना हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो मूवी देखना हो, हर चीज से सीखने की कोशिश करें। हफ्ते में एक बार मूवी जरूर देखनी है अगर आप मूवी के शौकीन हैं, पर उससे सीखें सिनेमा कैसे काम करता है, कैसे उसके अंदर से पैसे बनाए जाते हैं, ताकि आप उस हॉबी को भी पैशन में कन्वर्ट कर सको और आप स्किल डेवलपमेंट के साथ में, आपके सामने एक नई स्किल है। अगर आप, मैंने आपको जो स्किल डेवलपमेंट वाला पॉइंट दिया था, नॉलेज वाला पॉइंट दिया था, कि अगर आपके पास एक नई स्किल है, फॉर एग्जांपल आप फोटोग्राफी सीख रहे हो, साथ में आप सिनेमा जा रहे हो, आप पेंटर हो, आप सिनेमा जा रहे हो, यू विल रिलेट ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट और आप कुछ नया मैजिक क्रिएट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल जब मैं यहां पर आया था तो मुझे ग्राफिक्स की बहुत नॉलेज थी, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करता था, तो शुरुआत में मैंने बहुत सारे लोगों को विजिटिंग कार्ड्स डिजाइन करके दिए एज पर वास्तु एज पर न्यूमरोलॉजी। आज जब मैं लोगों का वास्तु करता हूं तो लोग मुझसे इंटीरियर की सलाह लेने लगते हैं, बिकॉज आई हैव दैट स्किल कि किस तरीके से एस्थेटिक्स काम करते हैं। सो बिल्ड हॉबी, आप उस हॉबी के साथ साथ में अपने एक्सपीरियंस को, अपने स्किल डेवलपमेंट को साथ में जोड़ लें, और इन सभी पॉइंट्स को क्रक्स करके फिर से एक बार मैं आप लोगों को बताता हूं, जरूर देखें कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं। नंबर वन, नो योर फाइनेंस। लिख लीजिए इस बात को, अपने फाइनेंस को आज से ही देखना स्टार्ट करें, आप क्या कमा रहे हैं, कहां एक्सपेंड कर रहे हैं, कैसे आप जीवन आगे लेके जाएंगे। रेगुलर स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पैसे की बात कर रहे हैं, मैं वास्तु की बात कर रहा हूं, तो मैं फोटोग्राफी भी सीख रहा हूं, मैं वीडियो एडिटिंग भी सीख रहा हूं, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीख रहा हूं। कुछ भी ऐसी चीज जो सीख सकते हो, स्किल डेवलप कर सकते हो, अपने यहां पर कोई एक ऐसा काम चूज कर लो जिसको आप साथ साथ में कर सकते हो। एक्स्ट्रा एफर्ट, आपका कॉम्पिटिटर सोच भी नहीं पा रहा आप पहले से एक्स्ट्रा एफर्ट क्या डाल रहे हो। हैबिट्स, रेगुलर बिल्डिंग गुड हैबिट्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आप कौन कौन सी बिल्ड कर रहे हो। नेटवर्क बिल्डिंग, योर नेटवर्क इज नेटवर्थ, इस बात को भूलना मत, नेटवर्क बिल्डिंग आपकी क्या है। बिल्डिंग एक्सपीरियंसेस, ट्राई टू गेट मोर एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ, राइट रॉन्ग कैसे भी एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस को बिल्ड करें। फोकस ऑन हार्ड वर्क एज वेल एज स्मार्ट वर्क, दोनों को 50-50% लेकर चलना है, कभी एक पे फोकस नहीं करना है। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी और नेगेटिव पीपल। नो योर कस्टमर, ऐसे ही कस्टमर को बिना जाने कोई भी काम मत करो। एंड बिल्ड अ हॉबी, विदाउट हॉबी देयर इज नथिंग। आपका जीवन का मेन एम है खुशियां, और खुशियां आती हैं अपने आप को खुश करने से, अपनी लग्जरी को खुश करने से। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। लोग कई बोलते हैं कि पैसे से घमंड आता है, पैसे के साथ में लोगों को लालच आता है। राइट माइंडसेट के साथ में काम किया जाए तो लालच नहीं आता। हो सकता है कि लालच पैसा ना कमाने से भी आने लगे। अगर आपका पेट भरा होगा, आप संतुष्ट होगे, आपका दिमाग खुश होगा, सारी चीजें लाइन पर होंगी। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।